तो लास्ट टाइम हमने ये किया था कि आपके पास सपोज करो जो पहली डेफिनेशन है, जो पहली डेफिनेशन है वो है स्मॉल ए। स्मॉल ए को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब कितनी एनर्जी बॉडी ने एब्जॉर्ब की, कितनी हमने उसके ऊपर इंसिडेंट की थी। नेक्स्ट है स्मॉल ई। स्मॉल ई का मतलब है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, ब्लैक बॉडी नहीं, एनी बॉडी। तो किसी भी बॉडी के लिए एमिसिव पावर का मतलब है कि उस बॉडी ने कितनी एनर्जी को एमिट किया, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय एरिया। ये आपकी एमिसिव पावर है। थर्ड है कैपिटल ई। कैपिटल ई का मतलब क्या है? एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बस सिंबल का फर्क है, मतलब इसका यही है कि कैपिटल ई का मतलब है कि कितनी एनर्जी एमिट हुई पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये हमने किया। और लास्ट डेफिनेशन की हमने इमिसिविटी। इमिसिविटी, इमिसिविटी की डेफिनेशन थी कि एनी बॉडी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी की रेशियो को, इमिसिव पावर की रेशियो को इमिसिविटी बोला जाता है। तो ये हमने लास्ट टाइम किया। इसके बेस पे आज हम करेंगे किरचॉफ लॉ। देखो किरचॉफ लॉ स्टेट्स दैट, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, कि अगर आपके पास एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, ऑन अ गिवन टेम्परेचर, मान लो आपने 300 केल्विन रख दिया, आप 10 किस्म की बॉडीज ले आए, ए बॉडी, बी बॉडी, सी बॉडी, डी बॉडी, कोई भी, बहुत सारी बॉडीज ले आए, हर बॉडी की एमिट करने की और एब्जॉर्ब करने की पावर डिफरेंट होती है। कोई ज्यादा एमिट करता है, कोई ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो किसी भी बॉडी के लिए फॉर अ गिवन टेम्परेचर ई और ए की रेशियो कॉन्स्टेंट होती है। मान लो बॉडी नंबर वन ले आए, उसकी जो भी एमिसिव पावर है और एब्जॉर्प्टिव पावर है उसकी रेशियो, बॉडी नंबर टू की ले लें, एमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर टू की ले लें, थ्री की ले लें, फोर की ले लें, इवन परफेक्टली ब्लैक बॉडी की भी ले लें, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की क्या होगी? एमिसिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, इसकी रेशियो भी क्या रहेगी? सेम। तो कहने का मतलब दुनिया के किसी भी टाइप की बॉडी की एमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशियो सेम है और किसके इक्वल है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के इक्वल है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का स्मॉल ई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बड़े ई से। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का स्मॉल ए क्या होता है? वन। तो एब्जॉर्प्टिव पावर वन होती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी बॉडी के लिए ई और ए फॉर ऑल सर्फेसेस की रेशियो कॉन्स्टेंट है और किसके इक्वल है? कैपिटल ई के इक्वल है। कैपिटल ई का मतलब फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो अगर ई और ए रेशियो बराबर है फॉर एनी वेवलेंथ, तो ई प्रोपोर्शनल टू ए है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है वो ज्यादा एमिट भी करती है। यानी कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा एमिट भी करेगा। ऑब्वियसली जो लेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, वो एमिट कहां से करेगा? जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो एमिट भी ज्यादा करेगा। तो किरचॉफ लॉ की डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट एट एनी गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ई बाई ए कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सर्टन वेवलेंथ, यानी कि किसी वेवलेंथ की अगर बात हो रही है, इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल बॉडीज एंड दिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। और ये किसके इक्वल है? एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये आपका इसका जो है डेफिनेशन है, और इसमें कुछ भी नहीं करना, बस यही है। ठीक, तो ये किरचॉफ का लॉ है।